अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। एक बहुत ही प्यारा वाक्य आपको सुनाता हूँ। एक नौजवान कारोबार करता था, मुलाजिम था। उसे महीने बाद उसकी तनख्वाह मिली। जब वो तनख्वाह लेके घर आया ना, तो उसकी माँ ने उस तनख्वाह के तीन हिस्से किए। एक हिस्सा माँ ने अपने बच्चे को दिया, कहा कि बेटा फलां जगह पे एक बेवा औरत है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके खाने के लिए कुछ ही पैसा कर बाजार जा, उस हिस्से के वो जो पैसे थे उनसे जाकर वहां से चीज खरीद, राशन खरीद, उसके लिए खाने पीने वाला सामान खरीद, और जाके वो एक थैला बना के बैग बना के ना कुछ जगह देख रहा। शाम का वक्त था, वो नौजवान थका हुआ था। जब उसने कहा मां अच्छा मैं बाद में आया, बिस्तर पर लेटा सर्दी के दिन थे, अचानक उसे ख्याल आया कि शायद उन बच्चों ने खाना ना खाया हो। उसने क्या किया, बिस्तर गर्म बिस्तर से उठा, बाजार गया, वहां से राशन खरीदा, थैला बनाया, बैग बनाया, और जाके गरीबों के घरों में उसने और के घर में जब गया ना, डोर को दस्तक दी, तो क्या उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बाहर आई, फटे पुराने कपड़े, हस्ता हालती। उसने ना वो बैग ऐसे ना उस बच्ची के आगे रखा और कहने लगा, बेटा ये अपनी अम्मा जान को दे देना, तेरा तू बैग दे गया। उस बच्ची ने ना हसरत भरी निगाह से उस बैग को देख कर दौड़ कर बोलने लगी कि अच्छा ये बता इस बैग में है क्या। तो वो नौजवान बोलकर कहने लगा जिन्हें कि इस बैग में ना आप साहब के लिए खाने का सामान है। तो जब ये बात उस बच्ची ने सुनी ना, तो भागती भागती अंदर की ओर कह लगी, अम्मा जान बाहर फरिश्ता आ गया, बाहर फरिश्ता आ गया, बाहर फरिश्ता आ गया। जब मां ने ये बात सुनी ना कि बाहर वो फरिश्ते की बात कर रही है, तो दरवाजे के करीब आई, तो कोर्ट के पास खड़े होकर तो कहने लगी कि भाई आप कहां से हैं और क्या लेते हैं। कह लगे ये जी बच्चों के लिए राशन लाए हूँ। तो ये आप रख ले, मेरी माँ ने कहा था कि वहां पे क्या कहते हो। उसने राशन पकड़ा, दुआएं दी। जब वो वापस पलटने लगी ना, तो वो नौजवान बोलकर कह लगे, अच्छा अम्मा जान मुझे एक बात बताए कि ये बच्ची मुझे फरिश्ता फरिश्ता कहती, ये क्या बात है। तो उस माई ने बोलकर क्या किया, उस बुरी माँ ने, उसने कहा कि बेटा मसला दरअसल ये है कि मेरे बच्चे दो दिन से भूखे थे, उन्होंने खाना नहीं था खाया, घर में कोई ऐसी शय नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं, भूखे थे प्यासे थे, तो कोई दरवाजे पर ऐसा आया भी नहीं कि जिसके आगे से मैं मांग सकूं, कुछ कह सकूं, मुझे कुछ मिल रहे, अल्लाह के आगे जो लिखा है कि अल्लाह पाक करम करे। तो अपने बच्चों को दलासा देने के लिए मैंने अपने बच्चों को कहा कि कोई नहीं बेटा, फरिश्ता आएगा तो वो हमारे लिए खाना देगा। तो दो दिन से जब भी बच्चों को भूख लगती तो मैं कहती बेटा परेशान हो, फरिश्ता आएगा आपके लिए खाना लेकर आएगा, फरिश्ता आएगा आपके लिए खाना लेकर आएगा, फरिश्ता आएगा आपके लिए खाना लेकर आएगा। तो आज जब आप वो राशन लेकर आए हो ना, तो बच्ची भागती भागती मेरे पास आई और आकर भाई फरिश्ता आ गया। ये बात जब उस नौजवान ने सुनी ना, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वहां से घर आया, जब घर आया ना, तो मां ने कहा तू बिस्तर में लेटा हुआ था किधर गया। अम्मा जान मैं फरिश्ता बनने के लिए गया। तो सामने निकला बात करने का मकसद ये है, मौजूदा हालात में जैसा आजकल का वक्त चल रहा है, हमारे कीर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम फरिश्ता बने, तो फरिश्ता बनने के लिए जरूरी नहीं कि हाली फरिश्ते वो ही हैं, दिल भी नूर होना तो अल्लाह पाक इंसान को फरिश्ता बना दे। ऐसे तो नहीं इंसान फरिश्तों से अफसर कराती है कि अल्लाह पाक हमें गरीबों के हालात पर तरस खाने की तौफीक अता फरमाए कि हमें ख्याल हो कि हम तक कुछ भला कर सके। तो ये बहुत बड़ी नीति है, जैसे आजकल हालात बने तो अपने साथ अपने बच्चों के साथ हम गरीबों का भी एहसास करें जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। अल्लाह पाक हमें हदायत अता फरमाए।